बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू 10th क्लास? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह सुभान व तआला। यस्टरडे वी हैव कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 7 and 8 ऑफ एक्सरसाइज 9.1। आई होप यू हैव कंप्लीट दीज टू क्वेश्चंस। Today we are going to start from question number 9 of exercise 9.1. Question number 9 is, the two legs of right triangle are equal and the square of hypotenuse is 50. के two legs, legs मैंने आपको पहले बताया था, हम legs क्या ले लेते हैं, A and B, ठीक है, of right triangle are equal, यानी वो जो दो legs है राइट ट्राइंगल की ए एंड बी, वो दोनों इक्वल है। एंड द स्केयर ऑफ हाइपोटेन्यूस, और जो हाइपोटेन्यूस का स्केयर है, यानी कि हम क्या ले रहे होते हैं हाइपोटेन्यूस सी, तो वो जो उसका स्केयर लेके, दिस इज 50, फाइंड लेंथ ऑफ ईच लेग। तो आपने लेंथ फाइंड करनी है ईच लेग की, यानी ए की भी और बी की भी। अगर मैं राइट ट्राइंगल फॉर एग्ज़ाम्पल बनाती हूँ आपके सामने, एक रफ स्केच लेते हैं, हम इसको ए ले लेते हैं, इसको बी एंड इसको सी, ऑपोजिट करूँगी, ये स्मॉल सी, दिस इज स्मॉल ए एंड दिस इज स्मॉल बी। अगर यहाँ देखा जाए तो ये हमारा हाइपोटेन्यूस बन रहा है, ठीक है जी। हाइपोटेन्यूस उन्होंने, स्केयर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज 50, यानी कि जो हम इसका स्केयर है, दिस इज सी स्केयर, वो हमारे पास क्या है, 50 है। अब वो हमने लेग्स फाइंड करनी है, लेग ए भी है और लेग बी भी है, ये दोनों लेग्स हैं, यानी ए और बी हमने दोनों फाइंड करनी है। तो हमें ना ए पता है बच्चों, ना बी पता है। अक्सर तो ऐसा होता है कि जब हमारे पास दो चीज़ें गिवन हो तो हम एक फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ हमारे पास दो अननोन है और वहाँ एक गिवन है, हाइपोटेन्यूस का भी स्केयर यानी सी स्केयर है हमारे पास 50। तो अब हम क्या करेंगे, हम ए और बी को कोई भी वेरिएबल लेके एक्स वाई जी सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं और उसके थ्रू हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो गिवन चीज़ें हैं वो राइट कर लेते हैं। सबसे पहले हम हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस का स्केयर गिवन है हमारे पास, तो हाइपोटेन्यूस का स्केयर वो हमारा सी है, तो सी स्केयर दिस इज 50। नेक्स्ट हमारे पास ए और बी लेग्स हैं, ए भी हमने फाइंड करना है और बी भी हमने फाइंड करना है, ठीक है, और ये लेग्स हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट कर लेंगे ए और बी को इक्वल किसके, एक्स के, ठीक है जी। यहाँ तक बात समझ आ गई आप लोगों को। अब हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, दिस इज सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। इनकी अगर हम पोजीशन चेंज करते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सी स्केयर, अब सी स्केयर हमारा 50 है क्योंकि उन्होंने स्केयर दिया हुआ है। ए, हमने ए और बी दोनों लेग्स को क्या सपोज कर लिए, एक्स, तो यहाँ आ जाएगा एक्स का स्केयर प्लस एक्स का स्केयर, क्लियर। अब हम 50 ऐड करें, ये भी इसका कोफिशेंट 1 है, इसका भी कोफिशेंट 1 है, ये हो जाएगा 2x स्केयर। एक्स चाहिए तो हम x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो यहाँ रह गया हमारे पास एक्स स्केयर, तो कटिंग कर लें, दिस इज 25 इक्वालिटी एक्स स्केयर, ठीक है। अब हम टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, जी अब हम स्केयर रूट लेंगे 25, स्केयर रूट लीजिए एक्स स्केयर क्यूब,
क्योंकि हमें x फाइंड करना है, स्केयर फाइंड नहीं करना है, जिसकी वजह से हमें स्केयर रूट लेना पड़ रहा है। ये कैंसिल हो गया, दिस इज 5 इक्वल टू x। अब हमने x क्या लेट किया हुआ था, a भी x था, तो a का भी आंसर 5 है और b का भी आंसर 5 है। सो जैसे आपके पास स्टेटमेंट थी फाइंड द लेंथ ऑफ ईच लेग, सो एंड पे आप क्या लिखेंगे, सो ईच लेंथ ऑफ ईच लेग इज इक्वल टू 5। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इजी सा क्वेश्चन है, कोई भी इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बस थोड़ी सी बात को समझना पड़ेगा। ठीक है जी, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। द साइज ऑफ ट्राइंगल आर 15 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 39 सेंटीमीटर। शो दैट इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। इसी तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जैसे वहाँ हमने बताना था कि बताएं कि पार्ट्स आपको गिवन थे कि ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। इसमें क्या होता है कि हम जो ग्रेटर होता है, ग्रेटर जो हमें वैल्यू गिवन होती है, उसको हम हाइपोटेन्यूज ले लेते हैं, और अगर लेफ्ट और राइट इक्वल आ रही हो तो उसका मतलब होता है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है, और अगर नहीं आती तो इट्स मीन दिस इज़ नॉट द राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्रेटर है अब हमारे पास 39 सेंटीमीटर, तो हम इसको हाइपोटेन्यूज यानी कि सी ले लेंगे। इसको हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सी, दिस इज 39 सेंटीमीटर। वन साइड ले लेते हैं या बेस ले लें, हम उसको ए कह देते हैं, दिस इज 36 सेंटीमीटर, और ए को हम ऑल्टीट्यूड ले लेते हैं, दिस इज बी, और वो हम ले लेते हैं 15 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज होल्स के इज इक्वल टू बेस प्लस ऑल्टीट्यूड। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा कि ये मिसने पहले नहीं लिखवाया तो अब लिखवा रही है, देर इज़ नो प्रॉब्लम। ये आपको पता होना चाहिए कि सी हम हाइपोटेन्यूज को ले रहे होते हैं, तो हाइपोटेन्यूज का होल्स के इज इक्वल टू बेस प्लस ऑल्टीट्यूड। ठीक है जी, अब हाइपोटेन्यूज को हमने सी लिया हुआ है, तो आप लिख लें सी, बात वही बन जाएगी, सी स्क्वायर बेस मैंने ले ली थी ए प्लस ऑल्टीट्यूड ले लिया था मैंने बी। ठीक है, यही फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है। अब पुटिंग कर लें, पुटिंग हम कैसे करेंगे, सी हमारे पास गिवन है, दिस इज 39 होल स्क्वायर, ए इज 36 होल स्क्वायर प्लस बी इज 50 होल स्क्वायर। कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं और इनके हम स्केयरिंग फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हम 39 का स्केयर, 39 का स्केयर 1521 इक्वालिटी 36 का ले लीजिए, 36 स्केयर 1296 प्लस 15 का स्केयर, दिस इज़ 225। अब 1521 एज इट इज़ आएगा, इनको हम ऐड कर लेते हैं, 1296 दिस इज़ 1521। तो ऐड करने से हमारे पास 1521 आया। अब दोनों साइड्स राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं, तो इसका मतलब है दिस इज़ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये इक्वल ना आती तो मैं लिखती दिस इज़ नॉट द राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो एंड पे आप लिखेंगे सो दीज थ्री साइड्स या दीज थ्री साइड्स शोज दैट
shows that it is a right angle triangle. ठीक है जी, बस ये हमने एंड पे शो जरूर करना है स्टेटमेंट के थ्रू कि सो इट इज, आप सिंपल यू भी लिख सकते हैं, सो इट इज शो डैट दिस साइड्स आर द राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, जैसे आपको आसानी लगे, सिर्फ स्टेटमेंट लिखना मस्ट है. ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे. नोट डाउन योर डायरी, एक्सरसाइज नंबर 9.1, क्वेश्चन नंबर 9 and 10. These two questions are your homework, plus do practice of complete exercise. ठीक है, आपने दो questions homework करने हैं और complete exercise की आपने practice करनी है ताकि जो भी confusion है आपकी मज़ीद clear हो जाए. ठीक है बच्चों, जज़ाकुमुल्लाह खैरा.